गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन 12 दीपोत्सव। दीपोत्सव मीन्स दीप जोड़ उत्सव, दीप दीपों का, उत्सव उत्सव या त्यौहार, दीपावली दीपों का त्यौहार कौन हुआ, दीपावली। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले संधि विच्छेद। फर्स्ट पैराग्राफ में सा आनंदम, सा आनंदम, सा प्लस आनंदम। सेकंड पैराग्राफ में प्रत्यागत, प्रति जोड़ आगत। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में है हर्षो उल्लासेन, हर्ष प्लस उल्लासेन। नेक्स्ट पूर्वम एव, पूर्वम प्लस एव। पुष्पमाला भी च, पुष्पमाला भी जोड़ च। नेक्स्ट अत्याकर्षकम, अति प्लस आकर्षकम। नेक्स्ट स्वयं अपि, स्वयं प्लस अपि। नेक्स्ट नैतत, न प्लस एतत। तो ये संधि विच्छेद वाले शब्द हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे मीनिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, भारतम परवानाम देशः, यहाँ से लेकर सा आनंदम मानयन्ति। भारतम परवानाम देशः, भारत उत्सवों का देश है। उत्सव पसंद करने वाले ही भारतीय हैं। उत्सव लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद संचार करती हैं। उत्सव लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद का संचार करती हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है। सभी उत्सवों में श्रेष्ठ है, या लिख सकते हैं सभी उत्सवों के ऊपर है। शरद ऋतु के इस त्यौहार को सभी खुशी से मनाते हैं। सेकंड पैराग्राफ प्राचीना रामायणी कथा, यहाँ से लेकर इदम पर्व हर्षो उल्लासेन मानयन्ते, यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ। प्राचीन रामायण की कथा है, जब दशरथ पुत्र राम 14 वर्षों के वनवास के बाद पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए, अयोध्यावासी बहुत खुश हुए। प्रिय जनों के स्वागत के लिए वे रात में घी के दिए जलाए। संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल हुआ। उस समय से शुरू करके आज तक यह उत्सव हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। थर्ड पैराग्राफ अयम उत्सव, यहाँ से लेकर प्रमुदिता जन संकुल दृश्यते। यह उत्सव विजयदशमी से 20 दिनों के बाद कार्तिक महीने के अमावस्या को आता है, कार्तिक महीने के अमावस्या को आता है। वर्षा काल के बाद आकाश निर्मल या स्वच्छ, दोनों लिख सकते हैं। वर्षा काल के बाद आकाश निर्मल या स्वच्छ, खेत धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यह समृद्धि का समय है। उत्सव दिन के
पहले से ही लोग घरों को साफ करते हैं, चित्रों और फूल मालाओं से सजाते हैं। वे नए वस्त्र धारण करते हैं या पहनते हैं। विशेष रूप से बच्चे बहुत खुश हैं। इस समय दुकानों या बाजारों की सुंदरता भी देखने योग्य होती है या देखने लायक होती है। प्रश्न मुख वाले लोग या खुशी से लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। मिठाई की दुकानों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, बर्फी, जलेबियों, लड्डुओं से सुशोभित होती हैं। बाजारों में सभी जगह खुश होती हुई लोगों की भीड़ दिखाई देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रात्रौ जनः, यहाँ से रात्रौ जनः विद्युत दीपे, यहाँ से लेकर अनुपमम च अस्ति। रात में लोग बिजली के बल्बों, तेल के दियों से और मोमबत्तियों से घरों को रोशनी करते हैं। जब हर घर और हर भवन दियों से प्रज्वलित होते हैं, तब दृश्य बहुत आकर्षक और अनुपम होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। दीपो उत्सवे जना, यहाँ से लेकर प्रदूषणेन प्रभाविता, ये फिफ्थ पैराग्राफ है। दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वे भाई बंधुओं को मिठाइयाँ बांटते हैं, स्वयं भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं या करते हैं। खुशी से बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन आजकल यहाँ संयम और विवेक का आचरण करना चाहिए, क्योंकि पटाखे वातावरण को जहरीले धुएं से प्रदूषित करते हैं। इससे कई लोग, विशेषकर बच्चे और बूढ़े, बीमार हो जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी ही वायु प्रदूषण से प्रभावित होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अपिच स्फोटकानाम, यहाँ से लेकर विस्फोटकान वर्जेत, यहाँ तक केवल टू लाइन्स हैं। और पटाखों के निर्माण में प्रायः बाल श्रमिक में से बच्चे भी मजदूर का काम करते हैं, तो और पटाखों के निर्माण में प्रायः बाल श्रमिक भी नियुक्त होते हैं। बचपन में विषैले पदार्थों से उनके स्वास्थ्य की हानि होती है, कभी कभी मृत्यु भी होती है। यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए फटाकों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। दीपावली ही आनंस्य, यहाँ से लेकर सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, लास्ट पैराग्राफ। दीपावली आनंद या खुशी
का उत्सव है या त्यौहार है। लोगों के जीवन में खुशियां बांटें, यह दीपों की माला अज्ञान के अंधकार को नष्ट करे, सुख समृद्धि का प्रकाश चारों ओर फैलाए, सभी की अच्छी स्थितियां हो, या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, सभी कल्याण को देखें। थैंक यू।